अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पवन साक्षी न्यूज सेटअप पर आप सभी का स्वागत है। पति और पत्नी कई सपने मिलकर साथ देखते हैं, एक दूसरे से कई वादे करते हैं, उन वादों को पूरा करने का प्रयास रहता है, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास रहता है, लेकिन कई बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी बनती है कि उस सपने को पूरा होते देखने के लिए पति या पत्नी में से कोई मौजूद नहीं रहता। अब कर्नाटक के इन शख्स को लीजिए, इन्होंने अपनी पत्नी से उसका ड्रीम हाउस बनाने का वादा किया था, वादा पूरा किया, लेकिन उस वादे को पूरा होते देखने के लिए उनकी पत्नी नहीं रही। अब पत्नी नहीं रही तो ये जो व्यक्ति हैं, देखिए आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, ये उनकी वैक्स की प्रतिमा बनाकर घर पे ले आए और बिल्कुल सजीव लग रही हैं। अगर आपको नहीं बताया जाए कि ये वैक्स की प्रतिमा है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये वैक्स की प्रतिमा है या कोई महिला है। आप देखिए किस भावपूर्ण ढंग से उनकी सेवा की जा रही है और वाकई में एक ये ड्रीम हाउस नजर आ रहा है, किसी का भी ड्रीम हाउस हो सकता है ये। अब देखिए कि इस दौरान घर की क्या साज सज्जा की गई है और जो महिला है पूरी इस तरीके से बैठी हुई है जैसे पूरे घर को देख रही हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कई आपने उदाहरण देखे होंगे, किसी ने ताजमहल बनवाए, किसी ने कुछ बनवाया, किसी ने कुछ बनवाया। हर एक व्यक्ति ने अपनी पति या पत्नी के लिए कुछ वादे ऐसे पूरे किए हैं, इस तरीके से पूरे किए हैं जो मिसाल बन गए। आज के दौर की मिसाल ये शख्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं इनका ड्रीम हाउस और इनकी पत्नी जो कि वैक्स से बनी हुई है, देखिए कितनी सजीव लग रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम है। पुलिस चप्पे चप्पे पर जांच कर रही है, हर वाहनों की जांच की जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। और आप देखिए हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे पुलिस वाले भी अभी कोविड-19 से लड़ाई में जुटे हुए हैं। देखिए कि किस तरीके से अस्पतालों में सुरक्षा हो, चाहे जो अलग व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर सुरक्षा प्रदान करने की बात हो, कानून व्यवस्था संभालने की बात हो, हर मोर्चे पर तैनात रहते हैं। अब 15 अगस्त से पहले जो अलर्ट्स भी हैं, कुछ अभी खुफिया अलर्ट भी आए थे कुछ समय पहले की बात है, रिपोर्टों के मुताबिक कि जो राजधानी में कुछ चेतावनियां जारी की गई हैं, कुछ थ्रेट है, इस तरीके की बातें चल रही थी, तो पुलिस वाले बिल्कुल हर चीज को गंभीरता के साथ ले रहे हैं और मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात है। 15 अगस्त से पहले हम देख चुके हैं पूर्व में भी कई बार इस तरीके के प्रयास हुए हैं कुछ कानून व्यवस्था को भंग करने के, लेकिन पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, पुलिस अपने जो उनका अपना एक सूचना तंत्र होता है उसके मुताबिक भी निगाह रखे हुए है सब पर। आइए देखते हैं दिल्ली में क्या है सुरक्षा हालात। काफ़ी सारी फोर्स लगाई है और सबको अपनी अपनी एरिया की जिम्मेवारी दी है ताकि जो फंक्शन है उसमें किसी तरह की बाधा ना पहुंचे और किसी भी तरह की जो इवेंचुअलिटी है उसको अवॉइड किया जा सके। इसको हर एक को एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग बांट के डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दिन पर दिन जो है टेररिस्ट इनपुट ज़्यादा आ रहे हैं और थ्रेट ज़्यादा बढ़ रही है। अभी फ़िलहाल जैसे बेरूत में भी हुआ है, कई और भी हुआ है, तो इसको देखते हुए ज़्यादा अलर्ट है क्योंकि इस तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं वो टाइम टू टाइम हर एक देश में हर एक जगह होती रहती हैं, तो ये चुनौतियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं।